हे इट्स मी राहुल, और जस्ट लाइक एवरीवन मैंने भी एक मल्टीप्लेयर गेम बनाने की कोशिश करी और मैं डे वन से मैं इससे इस तक करंटली पहुंचा हूं। एंड मैं कोऑप मल्टीप्लेयर गेम्स का बहुत बड़ा फैन हूं, लाइक इट टेक्स टू और लेफ्ट 4 डेड 2। एंड ऑल्सो रिसेंटली मैं गेम खेल रहा था पोटैटो, जो कि रियली में फनी था। एंड दोज गेम्स इंस्पायर्ड मी अलॉट टू मेक माई ऑन मल्टीप्लेयर गेम, जो कि बेसिकली एक सर्वाइवल गेम है जिसमें तुम्हें सारे के सारे वेव्स क्लियर करने हैं, आइदर सोलो और अपने टीम के साथ। मैंने एक बेसिक सा ब्लैंक प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करा और बेसिक सा टॉप डाउन मूवमेंट मैंने बना दी, व्हिच वर डिसेंट इनफ, एडिट सम एनिमेशन, सम प्लेस होल्डर ज़ॉम्बीज, एंड यहीं पे मेरा डे वन एंड होता है। ऑन डे टू मैंने एक ऑटो टारगेटिंग सिस्टम बनाया जिससे प्लेयर अपने एफओवी के रेंज में ऑटो टारगेट कर पाएगा एनिमीज को, लेकिन इसको बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। नाउ डे 3 एंड डे 4 वर जस्ट लाइक डे 2, पेनफुल एंड जस्ट हेडेक। इन सिंगल प्लेयर तुम्हें ज्यादा एनिमीज और बेसिक गेम लूप बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती। बाय द वे, अगर तुम्हें गेम लूप का मतलब नहीं पता है तो इट जस्ट मीन स्टार्ट, मिड एंड एंड ऑफ द गेम। बट मल्टीप्लेयर गेम में अनफॉर्चुनेटली ये सिंक करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। इवन एनिमीज एक के बाद एक प्रॉब्लम देते जा रहे थे, एक को सॉल्व करो दूसरा कहीं से आ जाता, एंड पूरा डे 4 इनको सॉल्व करने में ही चले गया, बट प्रॉब्लम हुई नहीं सॉल्व। सो मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए ये प्रॉब्लम छोड़ दी। बराबर फंसाया है तूने मुझे। डे 5 मैंने एक मिनी मैप डाला। अगर तुम पूछोगे क्यों डाला, क्या जरूरत थी, तो गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। एंड फाइनली ऑनलाइन कनेक्शन मैंने गेम में ऐड करा, मतलब मैं अब किसी के साथ भी ऑनलाइन प्ले कर सकता था जस्ट बाय शेयरिंग माय कोड। डे 6 to 8 आई एंटर्ड अनदर पेनफुल पीरियड ऑफ टाइम। मैंने लॉबी डालने की कोशिश करी और इस कोशिश से बस मेरा कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बस 2 रातों की नींद चली गई थी। इट वॉज प्योर फ्रस्ट्रेशन पीरियड, कोड को रिफैक्टर करने में, बग्स को मारने में, एक बग मरता दूसरा आ जाता, कभी कोई गोस्ट लॉबी भी बन जाती थी, कभी प्लेयर ही स्पॉन नहीं होता था गेम में। बट आफ्टर रिलेक्टलेस नाइट्स मैंने फाइनली लॉबी को इम्प्लीमेंट कर दिया था। बट ऑलमोस्ट सारे बग्स जो भी लॉबी और कनेक्शन रिलेटेड थे मैंने उनको डे 9 में कर लिए थे। एंड आई वाज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, सो मैंने हाफ डे के बाद ही रेस्ट ले लिया था पूरे दिन का। देन गेम के अंदर मैंने कुछ विजुअल इंडिकेटर्स डाले, लाइक किल एंड जॉइंट नोटिफायर, जो कि ठीक ठाक ही थे। देन पूरे गेम के ग्राफिक्स मैंने चेंज करे। देन एक कस्टमाइज रूम भी बनाया जिसमें तुम कॉइन से स्किन ले सकते थे, बट उन कॉइन्स को लेने का तरीका है या तो गेम खेल के या एक्चुअल पैसे खर्च करके। पैसा ही पैसा होगा। एंड फाइनली एक वेपन सिस्टम बनाया जिसमें बस रिफैक्टर ही मुझे करना था। एंड डे एंड के आते आते मैंने कुछ ऐसा बनाया। और ये सब मैंने कुछ एक वीक के टाइम में बनाया था। एंड डे 17 में मैंने एक सेशन सेट्स बनाया जिसको बनाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और लास्टली बहुत सारे बग्स और यूआई फिक्सिंग के बाद गेम की करंट स्टेज ये है। अनफॉर्चुनेटली गेम में बहुत सी चीज़ें अभी भी नहीं है और मैं होपफुली नेक्स्ट डेवलॉग तक फिनिश कर दूं। मैं मोस्टली मैप्स और जॉम्बी के वेरिएंट्स पे काम करूंगा एंड होपफुली रिलीज कर दूं टिल अप्रैल मिड और एंड, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो। एंड या प्लीज ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर इफ यू हैव सम सजेशंस फॉर माई गेम और जस्ट वांट टू टॉक। सी यू ऑल लेटर, बाय।